में निकालने वाली है। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के ग्राम नकटुआ में नईम खान के द्वारा पोल्ट्री फार्म बस्ती में चलाया जा रहा है। पोल्ट्री फार्म के कारण क्षेत्र में इतनी गंदी बदबू आती है कि लोगों का जीना दुश्वार होने लगा है। पोल्ट्री फार्म डबल स्टोरी मकान में बनाया गया है, जहां पर संचालक स्वयं निवास नहीं करता, केवल पोल्ट्री फार्म हेतु मकान का उपयोग कर रहा है और आसपास के निवासियों को गंध में रहने के लिए मजबूर किए हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर से शिकायत कर गुहार लगाई है कि पोल्ट्री फार्म बंद कराया जाए ताकि उन्हें इस गंध से छुटकारा मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि संचालक का कहना है कि यदि आप पोल्ट्री फार्म बंद करवाओगे तो मैं बकरी पालन प्रारंभ कर दूंगा और उससे और भी गंध उत्पन्न होगी और कूड़ा कचरा भी यहीं फेंकूंगा, तब आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। जब इस संबंध में पोल्ट्री फार्म के संचालक से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मुर्गा पोल्ट्री फार्म विगत 20 वर्षों से चलाया जा रहा है और इसका कोई रजिस्ट्रेशन ना तो पूर्व में कराया गया और ना ही वर्तमान में रजिस्ट्रेशन है। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। बहुत ही परेशानी, रुवे उड़ते हैं उनके, गंदा ये सब उड़ता है, उनके पंख उड़ते हैं, घर के अंदर आते हैं, खपरे का मकान है ऊपर से उड़ते हैं, बीड़ी बनाते हैं, हम लोग पूरा दरवाजा खुला रहता है इस तरफ का उस तरफ का, कब तक के बंद रखेंगे, पानी में खाने में सब में उड़ते हैं। अभी मेरे उस तरफ जाके देखो और सब खुला ही खुला देखेगा, ये परेशानी है जी हमको। आपके द्वारा बोला गया है जो संचालक है उनसे कि आप साफ सफाई करिए और ये गंदगी आप अपने कंट्रोल में रखिए, बोलते हैं तो वे कहते हैं कि हम तो साफ कर दे, उसके बाद फिर लाते, दो महीने रखते फिर और बच्चे भर देते, खाली वो रखते नहीं, महीना छह महीने साल भर नहीं रहते, वो बच्चे भरते रहते। ये प्रक्रिया निरंतर कब से चल रही है, कितने वर्ष हो गए उनको? धीरे धीरे 18-20 साल हो गए। अच्छा, 18-20 साल से चल रहा है, उसके बाद आप ऐसी परेशानी में मतलब जीवन यापन कर रहे हैं? कर रहे। और परिवार में आपके कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ क्या? क्यों नहीं हुए जी, हम ही हुए थे। अभी आपने ज्ञापन सौंपा तो क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, ज्ञापन के बाद कोई कार्रवाई नहीं? नहीं आया कोई। क्या नाम आपका? सरिता महा। मुर्गा पोल्ट्री फार्म के संबंध में आपको द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है जी, बिल्कुल। तो क्या परेशानी है उससे आपको? परेशानी तो हमको बहुत सारी है, क्योंकि हमारे देखो छोटे छोटे से बच्चे हैं, है ना, उनको भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है, हम अपने दरवाजे खोल के रह नहीं सकते, हमको हमेशा अपने परमानेंट दरवाजे बंद रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा कब तक करेंगे, दरवाजे तो खोलना ही पड़ेगा, हमको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, इधर से आने जाने वाले लोग भी आते हैं, मुंह बांध बांध के निकलते, बोलते आप लोग रहते कैसे, लेकिन क्या करें, हमारा तो घर है, आने जाने वालों का क्या है, वो तो आएंगे चले जाएंगे, हमको तो रहना ही पड़ेगा ना, हम कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के। कितनी समस्याएं हो रही हैं, क्या कोई अभी तक बीमार हुआ है मोहल्ले में? क्यों नहीं होंगे, जब इतनी गंदगी फैलेगी तो बीमार क्यों नहीं होंगे। और आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन के बाद में क्या कार्रवाई हुई कुछ? नहीं, ज्ञापन सौंपने के बाद में उन्होंने बोला था कि हम आएंगे, उनको नोटिस वगैरह देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अधिकारी कोई भी नहीं आया अभी? अधिकारी कोई नहीं आया, सिर्फ आप ही लोग आए। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति मेहरा है। मैं उसका शिकायत प्राप्त हुई है, मैंने उसको नोटिस जारी किया है, आज की डेट लगी है उसका, उसमें 133 में उसका नोटिस जारी मैंने किया है और उसका जांच आरआई द्वारा करवाई जा रही है, आरआई से भी आज प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा। सर उसके पास परमिशन नहीं है और बेवजह आदमियों को परेशान कर रहा है? वो परमिशन नहीं है, आज उसने बुलाया है कोर्ट में, उसको 3 बजे का समय दिया है, वो केस करेगा, यदि परमिशन नहीं होगी तो उसको कार्रवाई की जाएगी। तो व्यवसायी लोगों को धमकी देता है कि यदि आप मुर्गा पोल्ट्री फार्म बंद कराएंगे तो मैं बकरियाँ पाल लूँगा और गंदगी फैलाऊंगा। अब ये तो उसके जो 3 बजे पूछा जाएगा उससे कि आपने ऐसा बोला कि नहीं बोला। 3 बजे मैंने रहवासियों को ही बुलाया है नोटिस जारी करके और उनको ही बुलाया है जिसका पोल्ट्री फार्म है।